गोश्त को हमने वॉश कर लिया है। गोश्त को वॉश करने के बाद इसमें तकरीबन आधी पतीली जितना गोश्त है उतना पानी डाल दें, उसके बाद इसमें साबुत साबुत हम टमाटर डालेंगे। सिर्फ सिंपल वॉश करने के बाद इसको हम साबुत डाल देते हैं इसके अंदर, और हरी मिर्चें डालेंगे और लहसुन भी इसमें इसी तरह साबुत डाले जाते हैं बिल्कुल। आलूओं को थोड़ा सा छील लें और छील के हाफ करके आलू के भी बड़े बड़े पीस इसके अंदर हम डाल देंगे। डेढ़ कप सिरका इसके अंदर हम डालेंगे। सरके में भी नमक होता है भाई, तो इसलिए अंदर हमने तकरीबन डेढ़ चम्मच नमक डाला है। ये भाई काली मिर्चें हैं, काली मिर्चों को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। हम जरा कूटेंगे भाई इस तरह। ये काली मिर्च भाई हमने कूट ली है और आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में। ये आ गई भाई काली मिर्च। सारी चीज़ें डालने के बाद एंड में हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल तकरीबन एक डेढ़ कप, अंदाजे से भी डाल सकते हैं आप। और अब इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसको इसकी कवरिंग कर देंगे आटे के साथ। पूरी की पूरी पतीली है उसको इस तरह से पता लगा दिया जाएगा। और अब हमने इसको चढ़ा दिया है भाई, ये तकरीबन डेढ़ स्टीम जो है वो ठीक से निकल जाए। और अब हम जरा इसकी डिश खोलते हैं। गोश्त हमारा इंतहाई से ज़्यादा गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सिरके की, टमाटर, मसाला, सारी चीज़ें मिलके गोश्त की एक इंतहाई लजीज खुशबू आ रही है और मुँह में अभी से पानी आना शुरू हो गया है।